आप सबको जय मसीह की। जिस प्रकार भजन लिखने वाला इस बात को कहता है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद के संग उस भवन से अंदर आए हैं। हालेलुया। और आज के सुबह हो सकता है हमारी पिछला हफ्ता हमारे अनुसार हमारे अनुकूल ना रहा हो, लेकिन आज की सुबह जब हम उसकी आराधना को करें, उन्होंने सबसे उत्तम उसे देने पाए। हालेलुया। कि भजन में बाइबल पवित्र शास्त्र में ये बताता है कि वो सच्चे आराधकों की खोज में है। ऐसे आराधक जो आत्मा की सच्चाई में और दिल की गहराई से उसकी आराधना को करना जानते हैं। और इसलिए आज की सुबह जब हम अपनी आराधना को करें, होने दे हमारे मन परमेश्वर के संग एक हो जाएं, और होने दे हमारे कान हमारे दिल उससे सुनने पाए कि प्रभु आज की सुबह आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। और याद रखिए, भजन में ये भी लिखा है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह जब आपका विश्वास इन हो चाहिए कि प्रभु जब मैं आराधना को करता या करती हूँ, जब मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता या उठाती हूँ, मेरा छुटकारा, मेरा चंगाई, मेरा उत्तर मुझे मिलेगा। हालेलुया। आइए एक विनती को प्रभु से करें। प्रभु जी, आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके भवन में पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपकी योजना है। कोई दुर्घटना नहीं कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन ये आपकी योजना है कि हम इस स्थान पर पाए जाते हैं प्रभु। और इसलिए आज की सुबह प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्होंने आपका पवित्र आत्मा हम पर अपना नियंत्रण ले। उन्होंने जब हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका नाम महिमा पाए, हम घटने पाए और आप हमारे जीवनों में बढ़ते चले जाए। आदर और महिमा आप ही को देते हैं। यीशु के नाम में विनती मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर की महिमा, हम उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति गीतों के साथ हम करेंगे। आइए हम तालियों को का साथ हम उस परमेश्वर की आराधना करें। झूम कर, नाच कर अपने खुशी को हम उस परमेश्वर के सामने प्रकट करें। तालियों के साथ राज का
पापों के और श्रापों के लिए उस क्रूस पर उसने अपनी जान दी, ताकि हम अपने बलहीन परिस्थिति में भी उस पर अपने आंखों को ताके और अपने बल उस पर से प्राप्त कर सके। हम निर्बल हैं, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि हम अपने बलबूते पे हम खड़े हो, लेकिन सिर्फ उस परमेश्वर की तरफ से हमारा बल हम प्राप्त करते हैं। हम जब इस गाने को हम जब गाएंगे उस एक इच्छा के साथ कि हे परमेश्वर, तू मेरा बल है और तू मेरा गढ़ है। यस गॉड फादर, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उस वक्त की ओर उठाकर हम उस परमेश्वर की आराधना करते रहे।
फिल कर। चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा, सुन्नी राहों में हूँ मैं अकेला, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा पल, तू मेरी ढाल, यीशु पर आया कि वो हमारे लिए जान दे। क्या हम उस परमेश्वर का अपने दिल और जान से हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वही खुदा है और वही जीवित परमेश्वर है। दोनों हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की आराधना करते रहे। हम क्या दे सकते हैं उस परमेश्वर के उस उपकार के लिए कि हम उस सारी आराधना उस परमेश्वर को हम सौंपते हैं। Oh Lord, you are worthy of all our praise. कुछ भी असंभव, कुछ भी नहीं, मिलकर असंभव, कुछ भी नहीं, असंभव, कुछ भी नहीं, विश्वास के साथ असंभव, कुछ भी नहीं, यीशु नाम में असंभव, कुछ भी
यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू मेरी चट्टान। खोलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, अपने मुखों को बंद ना रखें, लेकिन उस परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मुखों को खोलकर उस परमेश्वर को अपने धन्यवाद के भेंटों को चढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, ओह वी थैंक यू लॉर्ड फादर, आपके उस बलिदान के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इसके लिए हम जयवंत हैं। उस बलिदान के द्वारा हम जयवंत है, हमारे ऊपर ना तो कोई रोग, ना तो कोई श्राप, ना तो कोई भी अधोलोक की शक्तियां नहीं प्रबल करेगी, क्योंकि और सिर्फ क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, 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 क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। ओ वी थैंक यू जीसस, praise the Lord. Thank you, Jesus. हमारे पास देने को क्या है उस परमेश्वर के सामने, हम क्या लेकर आए कि उस परमेश्वर के उस बलिदान की तुलना होने पाए? हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे धन्यवाद के भेंट, हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाले धन्यवाद के भेंट हम उस परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं जो उसे प्रसन्न करता है। हालेलुया, आइए हम इस परमेश्वर की महिमा करें।
कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, खुद को मैं आस देने को कुछ भी कर सकते हैं उस सर्वशक्तिमान खुदा जो सर्व सब कुछ रचाया हुआ परमेश्वर है, जो यल शदाई है, जो सेनाओं का यहोवा है। हम क्या ही है कि वो हमारे बारे में सोचे, लेकिन फिर भी उसने हमें चुना कि हम उस उद्धार के अनुभव में हम आ सके। ओ लॉर्ड, हम क्या ही है परमेश्वर की प्रभु जी तू हमारे बारे में सोचे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कुछ नहीं, हम सिर्फ एक धूल के समान है, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर ने हमें चुना और अलग किया कि हम उस उद्धार को हम प्राप्त कर सके और उस उद्धार के जीवन को हम जी सके। आराधना तेरी आराधना
के सामने जिसने हमारे लिए जान दे दी। उसकी आराधना को करे कुछ समय लेकर, उसकी स्तुति और प्रशंसा को करे, क्योंकि हमारी आराधना में हमारा छुटकारा है, हमारी आराधना में ही हमारी चंगाई है, हमारे आराधना में ही हमारे बंधन टूट जाएंगे और हमारी आराधना में ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु हमें देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदरो बुरी खरा रिखे बे शांति आराधना। हालेलुया,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया मेरे प्रियो ये चुप रहने का समय नहीं है आइए उसकी आराधना को करें क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है हम क्यों ना चुप हम भले ही क्यों ना चुप हो जाएं लेकिन वो पत्थरों से भी अपनी महिमा और आराधना को करवाने वाला परमेश्वर है हालेलुया उसकी आराधना को करें हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, rikaba baba, shikere bebe bebe, shandoro bori karaba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Prabhu ji, aaj ki subha. हम अपने हाथों को आपकी ओर उठाते हैं प्रभु जी आराधना में इस बात को दिखाते हुए कि हम आप ही की आराधना को करते हैं क्योंकि सच में हम आपके जैसा कौन है जो हमसे ऐसा प्रेम करता है सच में आपके जैसा कौन है जो हमारी भलाई को चाहता है और सच में आपके जैसा कौन है जिसकी योजनाएं हमारे जीवन में हानि की नहीं नाश की नहीं लेकिन भलाई की है हालेलुया और इसलिए प्रभु जी आज की सुबह हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं होने दे प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपने चलन को करने पाए जो गीत हमने गाया है ये गीत सिर्फ गीत ना रह जाए प्रभु लेकिन ये गीत हमारी विश्वास बन जाए ये गीत हमारी गवाहियां बन जाएं प्रभु जी कि जब हम इन्हें गाएं तो एक हियाव के संग एक घोषणा के संग इन गीतों को गाने पाएं कि सच में प्रभु मैं आपकी आराधना को करूंगा हालेलुया प्रभु जी आदर और महिमा आज की सुबह आप ही को देते हैं प्रभु यीशु के नाम में स्वीकृति को मांगते हैं आमेन आमेन मेरे प्रिय आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं Message last Sunday, but I could not really get into the message. और पिछले रविवार को मैंने एक संदेश को शुरू किया और जिसको मैं समाप्त नहीं कर पाया. I had to close with the introduction, but because my introduction took all my time. और मैंने सिर्फ उसका शीर्षक आपके सम्मुख रखा क्योंकि उस शीर्षक को ही आपके सामने लाने में पूरा समय लग गया. So I don't think I will be able to. Start that message again this morning. और इसलिए आज की सुबह मुझे नहीं लगता मैं उस संदेश को दोबारा शुरू कर सकता हूँ आज के रविवार. Because I don't want to take too much time. Because once I start, I don't want to finish. But we have taken most of the time. क्योंकि मैं जब शुरू करूँगा तो काफी समय लग सकता है लेकिन हमारा ज़्यादा समय बीत चुका है. So my subject was what is right with the church. कि कलीसिया के साथ सही क्या है? Which church we are talking about? और किस कलीसिया के विषय में हम बात करते हैं? यीशु मसीह की कलीसिया. इसका नाम क्या है? Methodist. Methodist is the proper name because. There is a method that we must follow. In that sense, I am a true Methodist. और Methodist हो सकता है एक मायने में सच्चा नाम हो क्योंकि उसका मतलब है एक कुछ नियम है जिनका पालन हमें करना है और अगर वो बात की जाए सिर्फ तो मैं सच्चा एक Methodist हूँ. Because I follow the biblical methods. क्योंकि जो Bible में दिए गए व्यवस्था या नियम है उनका पालन मैं करता हूँ. Then Baptist. Baptist के विषय में क्या कहें? I am also Baptist. मैं Baptist भी हूँ. I believe in all the baptisms mentioned in the New Testament. नए नियम में मौजूद सारे बपतिस्मों में मेरा विश्वास है. CNI. और CNI? I am really a CNI. और मैं सच में एक CNI हूँ. Because I am in a church in North India. क्योंकि एक कलीसिया जो उत्तर भारत में पाई जाती है मैं उस कलीसिया में हूँ. So if anybody asks you what denomination you go to, you name any denomination. That's what I am. और अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कौन से कलीसिया जानते हैं तो किसी भी संस्था का नाम ले ले क्योंकि वही डिनोमिनेशन एंड संस्था मैं हूँ.
And we have all these various denominations which confuse us. और ये कई सारी संस्थाएं हैं अलग-अलग जो कई बार हमें काफी परेशान करती हैं. Which is the true church? कि इसमें से सच्चा कलीसिया कौन सा है? We don't realize that Jesus Christ is building His church. लेकिन हम इस बात को नहीं समझते कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बना रहा है. And none of these names are mentioned in the Bible. और इनमें से कोई भी नाम बाइबल में नहीं लिखे गए हैं. The Bible mentions assemblies of God. और बाइबल में assemblies of God का नाम तो है. But that has nothing to do with the denomination assembly of God. लेकिन उसका assemblies of God जो संस्था है उससे कोई लेना देना नहीं. Assemblies of God means God's people coming together, assembled together to worship Him. क्योंकि assemblies of God इस वाक्य का मतलब ये है कि परमेश्वर के लोग या उसकी मंडली जब एक साथ आते हैं. And so, when you ask what is wrong with the church, और जब आप इस सवाल को पूछते हैं कि कलीसिया के साथ गलत क्या है? That question comes because we observe the various denominations. और वो सवाल तब उठता है जब हम अलग-अलग संस्थाओं को देखते हैं. And we find a lot of gadbad in the churches today. और कई सारी अलग-अलग संस्थाओं में हर प्रकार की गड़बड़ को हम देखते हैं. So the natural thing is, what is wrong with that? और जो स्वाभाविक बात है तो वो पूछेंगे कि अरे ये कलीसिया के संग क्या गलत हो रहा है? There will be lot of wrongs with the churches. क्योंकि कलीसिया के संग अलग-अलग गलत बातें हो रही हैं. Talking about denominations. जब हम संस्थाओं की बात करते हैं. But for Jesus there is no denomination. लेकिन याद रखिए यीशु के लिए कोई भी संस्था नहीं है. He said, I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा. And the gates of hell shall not prevail against it. और अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध प्रबल ना होंगे. And so I wanted to continue there. What is right with this church that Jesus is building? और इसलिए मैं अपने उस संदेश को जारी रखना चाहता था कि ये कलीसिया जिसका निर्माण खुद यीशु मसीह कर रहा है उसके संग सही क्या है. So I am not going to enter into it. तो इसलिए आज की सुबह मैं उस संदेश में नहीं जाऊंगा. Maybe if we have time next Sunday, we will do that. अगर अगले रविवार को समय मिलेगा तो मैं उस संदेश को शुरू करूंगा. It's a message you don't want to miss. You must hear and understand what the true church is. और एक ऐसा संदेश ये है जिससे आप उसमें भाग लेना चाहेंगे. No human being is the owner of the church. कोई भी मनुष्य किसी कलीसिया का स्वामी नहीं है. No man can build. और कोई भी मानव किसी कलीसिया को नहीं बना सकता. Only Jesus Christ can build His church. और सिर्फ यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बना सकता है. And it is important that you find out the requirements needed for you to become a member of the church that Jesus is building. और इसलिए आप ये जरूरी है उस बात को पता कर लें कि वो कलीसिया जो यीशु बना रहा है उस कलीसिया का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं. यू कैन बी ए मेंबर ऑफ एनी डिनोमिनेशन. आप किसी भी संस्था के एक सदस्य हो सकते हैं. यू कैन बी ए मेंबर ऑफ एनी चर्च. आप किसी भी कलीसिया के भाग बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं. इन लखनऊ टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ चर्चेस. क्योंकि आज के दिन लखनऊ शहर में सैकड़ों की संख्या में कलीसियाएं पाई जाती हैं. When I first came here 53 years ago, जब 53 साल पहले मैं यहाँ पहली बार आया, not many churches. कई कलीसियाएं यहाँ मौजूद नहीं थी. Pentecostal there was one. और पेंटिकोस्ट की सिर्फ एक कलीसिया मौजूद थी. Called दुआ का घर. और जिसे दुआ के घर के नाम से जाना जाता है. There was no other Pentecostal church. और कोई दूसरा पेंटिकोस्टल कलीसिया यहाँ मौजूद. Today there are so many Pentecostal churches. लेकिन आज के दिन इतने सारे पेंटिकोस्टल सैकड़ों की संख्या में कलीसिया यहाँ मौजूद. And that also is a confusion. और ये भी कई बार परेशान करने वाला बात. So which of these Pentecostal church is a true Pentecost? कि इनमें से कौन से कलीसिया सच्चा पेंटिकोस्ट का कलीसिया है. Let me make one thing very clear. एक on बात the basis of this Bible. और एक बात को मैं बड़ा स्पष्ट रीति से आपको बताना चाहता हूँ इस बाइबल के आधार पर. इफ यू बिलीव दैट बाइबल इज द ओनली स्टैंडर्ड फॉर आवर फेथ एंड प्रैक्टिस. और अगर आप ये विश्वास करते हैं कि बाइबल ही अगर हमारे विश्वास और जीवन का चलने का एक मार्ग है. Then the Bible says, तब बाइबल बताता है that you need to be a member of the church that Jesus is building. अब वो बाइबल बताता है कि उस कलीसिया का आपको सदस्य बनना है जो यीशु मसीह खुद बना रहा है. And the Bible also gives us
the requirements needed to enter into that church. और वो बाइबल ही हमें उन सारी जरूरतों को भी बताता है, योग्यताओं को भी बताता है कि कैसे हम उस कलीसिया में प्रवेश करें. There are many people. They are members of one church. और कई सारे लोग हैं जो एक कलीसिया के सदस्य हैं. And then they visit many other churches also. लेकिन वो कई और दूसरी कलीसियाओं में भी जाते हैं. They are like walking trees. वो मान लीजिए उस पेड़ के समान है जो चलने वाले पेड़ होते हैं. We all must know that you need to be a person planted in the house of God. हम सबको ये समझना है कि हमें ऐसे लोग बनना है जो परमेश्वर के भवन में बोए गए और जड़ पकड़े हुए. Because the Bible says, they that are planted in the house of God shall be prosper. क्योंकि बाइबल ये बताता है कि वे जो परमेश्वर के भवन में बोए गए हैं, जड़ पकड़े हुए हैं, वो आशीषित होंगे. You can be a member of any church. आप किसी भी कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं. That will not guarantee your place in the kingdom of God. लेकिन याद रखिए, वो इस बात को निश्चित नहीं करता कि आप परमेश्वर के राज्य में एक स्थान को पाएं. Please don't be deceived. और इसलिए कृपया कर धोखा ना खाएं. God is not mocked. क्योंकि परमेश्वर का आप ठट्टा या मजाक नहीं उड़ा सकते. Many people, they go to their own church on communion Sunday. ऐसे कई लोग हैं जो कम्युनियन संडे या रविवार के दिन, प्रभु मेज के रविवार के दिन अपनी कलीसिया जाते हैं. Because you have to show yourself to remain a member. क्योंकि आपको सदस्य बने रहने के लिए वहाँ अपने आप को दिखाना जरूरी है. You can go and take communion in hundreds of churches. That will not guarantee your place in the kingdom. लेकिन याद रखिए, आप प्रभु मेज को सैकड़ों कलीसियाओं में जाकर ले सकते हैं, लेकिन वो बात आपका परमेश्वर के राज्य में स्थान निश्चित नहीं करती. Membership does not guarantee that. याद रखिए, आपकी सदस्यता आपके उस राज्य में प्रवेश को निश्चित नहीं करती. Please don't be deceived. और इसलिए धोखा ना खाएं. And then there are people, the other 3-4 Sundays. और जो दूसरे लोग हैं, जो बचे हुए रविवार है 3 या 4. If they feel like going, they go. And if they feel like, they like to visit other churches. अगर उन्हें लगता है कि जाना चाहिए तो वो अपनी कलीसिया जाएंगे. अगर ऐसा नहीं है तो वो अलग अलग कलीसियाएं जाते हैं. Some people come here. कुछ लोग यहाँ भी आते हैं. There's no problem. उसमें कोई समस्या नहीं है. Sir, you can visit any church. क्योंकि आप किसी भी कलीसिया में जा सकते हैं. And so some people think, you know, if we go to this Pentecostal church, we will get more blessing. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम पेंटेकोस्टल कलीसिया में जाएंगे तो ज़्यादा आशीष प्राप्त होंगे. So blessings they come here. और इसलिए आशीष के कारण वो यहाँ आते हैं. And thank God for them. और धन्यवाद हो परमेश्वर का उनके लिए. At least they recognize there is a blessing. क्योंकि कम से कम वो इस बात को, सच्चाई को पहचानते हैं कि यहाँ पर एक आशीष है. But they don't want to detach themselves from the other place where they're going. लेकिन वो दूसरे उस कलीसिया से खुद को अलग भी नहीं करना चाहते जिससे वो जुड़े हुए हैं. Because it is good, you know, that is very beneficial. You get certificates and admissions and job and all these sort of things. क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको अलग अलग प्रकार के प्रमाण पत्र मिलते हैं कई बार, जो नौकरी या एडमिशन मिलने में सहायता करता है. That is okay. वो ठीक है. Certificates can be obtained from any recognized churches. और याद रखिए, किसी भी प्रमाणित कलीसिया से आप उन प्रमाण पत्रों को पा सकते हैं. We also issued certificates to our young people. और हम भी अपने जवानों को कई प्रकार के प्रमाण पत्र देते हैं. The reason I am saying these things. ये कारण ये है जो मैं इन बातों को कहता हूँ. I don't want you who attend this church to be deceived in any way. मैं नहीं चाहता वे जो इस कलीसिया में आते हैं, इसके भाग हैं, वो किसी भी तरीके से धोखा खाएं. I want you to be prepared for the coming of the Lord. मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं. That is my burden. और यही मेरा बोझ है. You be ready because Jesus is coming, and if your eyes are open, your ears are open, you know that these are the very last moment of the last day. आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपके कान खुले हैं, आंखें खुली हैं, तो आप देख और सुन सकते हैं कि ये अंतिम समय के अंतिम पलों में हम जी रहे हैं. Once the rapture takes place, और जब कलीसिया का उठाया जाना हो जाएगा, the
church that Jesus Christ is building. और वो कलीसिया जिसका निर्माण यीशु मसीह कर रहा है. That church will disappear. तब वो कलीसिया गायब हो जाएगी. You better make sure that you be a member of that church. तब आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप उस कलीसिया का भाग बन जाएं जिसको यीशु मसीह उठाएगा. I mentioned the requirement last Sunday. अब पिछले रविवार को मैंने योग्यताओं को बताया जो उस कलीसिया का भाग बनने के लिए जरूरी है. Jesus' teaching is very clear. और यीशु की शिक्षा बड़ी स्पष्ट है. Assemblies of God also has requirement. और Assemblies of God में भी कई प्रकार की जरूरत है या नियम है जिनमें सदस्य बनने के लिए आपको करना है. And those of you who received the form to be filled. और आप में से वे जिन्हें सदस्य बनने के लिए वो फॉर्म पंजीकरण के लिए मिला. दैट फॉर्म मेंशन वेरी क्लियरली द रिक्वायरमेंट्स. और उस फॉर्म में भी स्पष्ट रूप से जो भी नियम है वो लिखे गए हैं. एंड सो एनी डिनोमिनेशन. और इसलिए कोई भी संस्था क्यों ना हो. एंड चर्च लाइक आवर्स इज अ लिटिल स्ट्रिक्ट अबाउट पीपल बीइंग फेथफुल. और हमारा जैसा जो कलीसिया है हम थोड़े से कठोर है इन नियमों को लेकर, खास रीति से वे लोग जो धार पाए हुए. यू कम टू चर्च बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ अ होली गॉड. और अब कलीसिया इसलिए आते हैं क्योंकि ये पवित्र परमेश्वर का भवन है. दिस द हाउस ऑफ अवर होली गॉड. और याद रखिए ये हमारे पवित्र परमेश्वर का भवन है. वी कम इनटू अवर फादर्स हाउस. और हम अपने पिता के घर में आते हैं. इट इज अ जॉय. और ये एक आनंद का बात है. एंड अवर फादर इज वेल प्लीज्ड. और हमारा पिता हमसे प्रसन्न होता है. एंड सो Jesus clearly mentioned. और यीशु ने इस बात को स्पष्ट रीति से बताया. How can you find a place in the kingdom of God? कि कैसे तुम परमेश्वर के राज्य में एक स्थान को पा सकते हो? Talking to Nicodemus. निकोदिमस से बात करते हुए. He made it very clear for all of us. हम में से हर एक के लिए उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया. He said, unless you are born again by the Spirit of God. कि वो कहता है जब तक तुम परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म ना पाए हो. You will not enter into the kingdom. तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. That is the requirement. Number one. यही वो योग्यता है पहली. By the Spirit, I don't mean that you heard a message and you lifted up your hands. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक संदेश को सुना और अपने हाथों को उठा लिया. I say it again and again. मैं बार बार इस बात को कहता हूँ. Don't be deceived. धोखा ना खाएं. Because you lifted your hand. क्योंकि आपने अपने हाथों को उठाया. And then repeated a prayer after someone's prayer. और किसी की प्रार्थना को दोहराया जो उसने आपको सिखाया. And then you started attending church. और उसके पश्चात आपने कलीसिया में आना शुरू कर दिया. You can even be baptized. आप बपतिस्मा ले सकते हैं. And you take a communion. और आप प्रभु मेज में भी भाग लेते हैं. Because you fulfill the requirement. क्योंकि आप उस योग्यता को पूरा करते हैं. We cannot guarantee you a place in the kingdom. लेकिन हम आपका परमेश्वर के राज्य में निश्चित पहुंचने का कोई भी गारंटी यहां से नहीं लेते. That is up to Jesus. क्योंकि वो यीशु के ऊपर है. Whether you are born again by the Spirit of God. कि क्या आप सच में परमेश्वर के पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए. Why? क्यों? It is the Spirit that convicts you of your sin. क्योंकि ये एक आत्मा ही है जो आपको आपके पापों के प्रति कायल करता है. You hear the word of God. आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं. But that doesn't change you. लेकिन वो वचन आपको नहीं बदलता. The Holy Spirit is there to convict you if your heart is open. लेकिन वो पवित्र आत्मा मौजूद है आपको कायल करने के लिए अगर आपके हृदय खुले हों. Out of that conviction. और उस कायलता के कारण You begin to cry out. आप परमेश्वर से गुहार लगाते हैं. You will literally weep. और आप रोने लगेंगे. That how unworthy I am. कि कितने अयोग्य मैं हूँ. I am not worthy for any grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य मैं नहीं हूँ. I am not worthy to be forgiven. और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि क्षमा किया जाए. I am not worthy. I don't deserve to be forgiven at all. और मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुझे क्षमा किया जाए. And yet God in his grace. लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने अनुग्रह में. What is grace? और ये अनुग्रह क्या है? Without his grace none of us will be in the kingdom of God. याद रखिए उसके अनुग्रह के बिना हम में से कोई भी
उस राज्य में नहीं पहुंचेगा। But what is this grace? लेकिन ये अनुग्रह है क्या? This grace means undeserved favor. और इस अनुग्रह का मतलब है एक ऐसा अनुग्रह जो जिसके योग्य हम नहीं हैं। You don't deserve to be forgiven. हम योग्य नहीं हैं कि क्षमा किए जाएं। The only thing I deserve is hellfire. और एक ही बात जिसके योग्य हम हैं वो है नर्क की आग। I am like a small creature hung over the hellfire. और एक उस छोटे से प्राणी के समान हम हैं जिसे नर्क की आग के ऊपर लटका दिया गया है। If God wants, और अगर परमेश्वर चाहे, He can let you loose and fall into that hellfire. वो चाहे तो आपको वहाँ से छोड़ दे और आप उस आग में जलना शुरू करें। When you realize that, जब आप इस सच्चाई को समझ जाते हैं, that is what gives you tears in your eyes. और वही बात आपको आपके आँखों में आंसू देता है। And you cry to God. और आप परमेश्वर के सामने रोना शुरू कर देते हैं। God have mercy on me. कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। And then you call upon His name to come into my heart. और तब आप उसके नाम को पुकारते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में। Forgive me. मुझे क्षमा कर। Come and live in my heart. और आ और मेरे हृदय में वास कर। Be my Lord and my Savior. और मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता बन जा। Without your grace. और आपके अनुग्रह के बिना। I will not make it. मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। That is true repentance. और यही सच्चा मन फिराना है। And that's what bring you salvation. और यही बात आपको उद्धार लाता है। He is so gracious, oh God. और वो इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। Why he shows grace to us? और क्यों वो हमें अनुग्रह दिखाता है? Because क्योंकि without that grace, no sinner can be saved. क्योंकि उस अनुग्रह के बिना कोई भी पापी बचाया नहीं जाएगा। And it is not God's pleasure to see any single soul going into hell. और ये परमेश्वर का खुशी के बात है ही नहीं कि वो एक भी आत्मा को नर्क में जाता हुआ देखे। So the Bible says. और इसलिए बाइबल बताता है। He does not take any pleasure in the death of a wicked. कि वो परमेश्वर किसी दुष्ट की मृत्यु में प्रसन्न नहीं होता। Why? क्यों? Because it is a heartbreaking thing for God, the Creator, God the Father. क्योंकि ये परमेश्वर पिता के लिए एक हृदय को तोड़ने वाला बात है। That one of His creation is going to eternal hell. कि उसकी अपनी एक रचना अनंत के नरक में जा रहा है। At the same time, और उसी समय पर, the Bible also says, बाइबल ये भी बताता है, God delights in the death of a righteous person. कि परमेश्वर एक धर्मी की मृत्यु पर आनंद मनाता है। Because such soul will immediately go to His. क्योंकि ऐसी आत्माएं तुरंत उसकी उपस्थिति में पहुंच जाएंगी। And He welcomes. और वो ऐसे आत्माओं का This स्वागत is your करता home. कि ये तुम्हारा घर है। Come, my child. आओ मेरे बच्चे। Hallelujah. Hallelujah. That's what God wants. और यही परमेश्वर चाहता है। But that final choice is yours. लेकिन वो अंतिम चुनाव आपका है। Where you want to spend your eternity? कि कहाँ पर आप अपने अनंत को बिताना चाहते हैं? That choice you have to make. ये चुनाव आपको करना है। I want to spend my eternity with God. कि क्या मैं अपने अनंत को परमेश्वर के संग बिताना चाहता हूँ? That is my heaven. यही मेरा स्वर्ग है। Wherever it may be. चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। Hallelujah. Hallelujah. So always remember. इसलिए हमेशा याद रखिए। Make sure that you enter into the church that Jesus Christ is building. और इसलिए इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप उस कलीसिया में प्रवेश करेंगे जिसे यीशु मसीह बना रहा है। We must be born again by the Spirit. हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया जाना अनिवार्य है। The Holy Spirit convicts us. क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें कायल करता है। And it is the Holy Spirit who enables us to cry out. और ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारा सहायता करता है कि हम परमेश्वर से पुकारें। So in your salvation. और इसलिए आपके उद्धार में the entire Trinity is involved. वो पूरा त्रिएक परमेश्वर जुड़ा हुआ है। God the Father loves you. वो परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है। God the Son died and shed His blood for you. और परमेश्वर पुत्र आपके लिए मरा और उसने अपना लहू बहाया। And God the Holy Spirit is convicting you. और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको घायल करता है। Can you imagine how valuable your salvation is? क्या आप इस बात का सोच सकते हैं कि आपका उद्धार कितना बहुमूल्य है? It is too great. और ये बड़ा महान है।
That's why the author of Hebrews says. और इसीलिए इब्रानियों के पत्र के जो लेखक है वो कहता है. If you neglect so great a salvation. अगर तुम इस प्रकार के महान उद्धार के तिरस्कार करोगे. He is talking to the believers. वो विश्वासियों से बात कर रहा है. What will happen to the sinners? तब उन पापियों के संग क्या होगा? So, let us live according to God's plan. और होने दे हम परमेश्वर की योजना अनुसार जीने पाएं. And then the book of Acts chapter 2, in response to Peter's preaching. और वो प्रेरितों का कार्य उसकी दूसरा अध्याय जो पत्रस के प्रचार के प्रति एक उत्तर था. The crowd came and cried out. और उस भीड़ ने आया और परमेश्वर से गुहार लगाया. Brethren, कि हे भाइयों, what shall we do to be saved? कि हम क्या करें कि बचा लिए जाएं? And the answer Peter gave. और वो उत्तर पत्रस ने दिया. Other requirements. और वहाँ पर जो योग्यता या नियम थे वो भी. To enter into the kingdom. कि वो कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? Not once. But you must remain in that. एक बार नहीं लेकिन आपको निरंतर वहां बने रहना है. That is important. और यही महत्वपूर्ण है. Not only you experience that one. ना केवल आप उसे अनुभव करते हैं. But you must remain in that. लेकिन आपको उस स्थान पर बने रहना and है. Grow in that. उस स्थान पर बढ़ना है. You must keep on growing. और उस स्थान में बढ़ते चले जाना. Hallelujah. Hallelujah. Until you are mature. जब तक आप सयाने ना बन जाएं. So to be a responsible member of Christ's church. और इसलिए कि आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के एक जिम्मेदार सदस्य बन जाएं. So I urge all of you. इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं. To be faithful. कि आप विश्वास योग्य ठहरे. I will take 10 more minutes. और 10 और मिनट मैं लूंगा. And I will tell you one thing. एक बात को बताऊंगा. And it is this. और वो ये है. There is a difference between what we want to hear. एक अंतर है उस बात में कि जो हम सुनना चाहते हैं. And what we need to hear. और किन बातों को सुनने की आवश्यकता हमें है. You understand that? क्या आपको ये समझ में आया? What I want to hear. जो मैं सुनना चाहता हूँ. Is you know something that must tickle my ears. वो ऐसी बातें हैं जो मेरे कानों को प्रसन्न करे. Oh, you are so good. कि तुम कितने अच्छे हो. You are so wonderful. तो अद्भुत हो. I love you. और मैं आपसे प्रेम रखता हूँ. Don't worry. चिंता मत करो. You will be in heaven. तुम स्वर्ग पहुँच जाओगे. And I am the Lord who heals you. और मैं वो प्रभु हूँ जो तुझे चंगा करता है. And I give you my peace. और मैं अपनी शांति तुझे देता हूँ. And I am always with you. मैं हमेशा तेरे साथ हूँ. And your father and mother may forsake you. माँ और बाप तुझे त्याग सकते हैं. But I will receive you. लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ूंगा या त्यागूंगा नहीं. All these wonderful things I want to hear. और ये सारी अद्भुत बातें मैं सुनना चाहता हूँ. But when we come to church. लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं. If the pastor is a man walking with God. अगर पासवान वहाँ का एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के संग चल रहा है. The spirit of God will help him understand what message he must preach. तब परमेश्वर का आत्मा उसका मदद करेगा कि उसे क्या संदेश प्रचार करना है. And when I am obedient. और जब मैं आज्ञाकारी ठहरूंगा. It is not always very pleasant. और हमेशा प्रसन्न योग्य नहीं होगा. You may hear things that may hurt you. आप ऐसी बातों को सुनेंगे जो आपको चोट पहुंचाएंगी. You may hear things that will convict you. और आप ऐसी बातों को सुनेंगे उस प्रचार में जो आपको कायल करेंगी. Because God knows what you need to hear. क्योंकि परमेश्वर वो जानता है जिन बातों को सुनना की जरूरत या आवश्यकता आपको. And every Sunday. और हर रविवार को. I sit the whole Saturday most of the time in my office. और पूरे शनिवार के दिन लगभग मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ. With an open Bible. और बाइबल खुली रखकर. And with some reference book. और कुछ और दूसरी किताबों के संग. Trying to find out from God what God and I always pray like this. और मैं इस बात को जानने के लिए कि परमेश्वर क्या चाहता है और मैं हमेशा ऐसे प्रार्थना करता हूँ. Lord, the people who come on tomorrow morning, that is Sunday morning. मेरी प्रार्थना ये रहती है कि प्रभु रविवार की सुबह जो लोग आएंगे. All of them have needs. उन सब की अपनी आवश्यकताएं और जरूरतें हैं. All of them have problems. उनके पास समस्याएं हैं. All of them have questions. उनके पास सवाल है. I do not know exactly what they need. मुझे ये नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए. But you know. लेकिन आप जानते हैं. I do not know what
they need to hear. मुझे ये नहीं पता कि उन्हें किन किस बात को सुनने की आवश्यकता है. Lord, if you stand here physically Sunday morning. लेकिन प्रभु अगर आप शारीरिक रूप से रविवार की सुबह इस वेदी पर खड़े हो जाएंगे. What would you speak to these people? तब आप अपने लोगों से क्या बात करेंगे? And very often. और ज्यादातर बार. That is the message I bring. वही वो संदेश है जो परमेश्वर मुझे देता है और मैं लेकर आता हूँ. So I want you to take very seriously the messages you hear from this pulpit. और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन संदेशों को आप गंभीरता से ले जो इस वेदी से आप सुनते हैं. Lord, you alone know. ताकि आपकी अपनी बढ़त के लिए. The word of God is sufficient for correction, for rebuke, and for instructions in all righteousness and for comfort and for all these things the word of God is sufficient. और परमेश्वर का वचन पर्याप्त है अनुशासन करने के लिए, डांटने के लिए, किसी को अनुशासित करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, अपने आप में पर्याप्त. You know, Jesus dealt with people differently according to his knowledge of their need and not what they want. और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के संग अलग रीति से व्यवहार किया उसकी आवश्यकता अनुसार, ना कि जो वो चाहता था उस बात के अनुसार. And I want to give about four examples. और चार उदाहरण मैं देना चाहता हूँ. There was a rich ruler came to Jesus. और एक बड़ा धनवान शासक यीशु के पास आया. Who wanted to hear, but Jesus told him something he didn't want to hear. और क्योंकि वो कुछ ऐसा सुनना चाहता था यीशु से जो उसे पसंद है, लेकिन यीशु ने कुछ ऐसा सुनाया जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. How did he react? उसने How क्या did he respond? क्या उत्तर दिया उस बात के प्रति? He left Jesus who hurt his pride. और वो यीशु को छोड़कर चला गया क्योंकि यीशु ने उसके घमंड पर चोट की. And Jesus hurt him in his self-righteousness. और यीशु मसीह ने उसकी स्वयं की धार्मिकता पर चोट पहुंचाई. He had a right question. उसके पास सही सवाल था. He came to the right person. और सही व्यक्ति के पास आया. And he got the right answer. और उसे उत्तर भी सही मिला. But he left Jesus sad. लेकिन वो यीशु से वहां दुखी होकर के निकला. Why? क्यों? Because he in his self-righteousness, क्योंकि वो अपनी स्वयं की धार्मिकता में and pride, और घमंड में he thought, उसने ये सोचा, I am very righteous, कि मैं बड़ा धर्मी हूं. All the commandments I have been observing, सारी आज्ञाओं को मैंने पालन किया. So definitely Jesus would not find any fault in me. तो सच में यीशु मसीह मेरे अंदर कोई खराबी नहीं ढूंढ सकता. He never realized. लेकिन उसे ये नहीं पता था. He came to the one who knew everything about him. कि वो एक ऐसे के पास आया है जो उसके विषय में हर एक बात को जानता है. From the beginning to the end. जो शुरुआत से लेकर अंत तक. I was reading in the psalm yesterday. और मैं एक भजन संहिता पढ़ रहा था. Whom do you think I am? कि मैं कौन हूँ? I know the end from the beginning. कि मैं अंत को शुरुआत से जानने वाला परमेश्वर हूँ. He left that place sad. और वो उस स्थान से दुखी होकर के निकला. My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, please understand. कृपया करकर इस बात को समझिए. There is a difference between what we want to hear and what we need. एक अंतर है दोनों बातों में कि क्या हम सुनना चाहते हैं, लेकिन और क्या बातें हमें सुनना जरूरी है. And if you hear something what God knows you need to hear. और अगर आप कुछ ऐसी बात को सुनते हैं जिसकी आवश्यकता परमेश्वर अनुसार आपको है, Don't reject it. तब उसके उसका तिरस्कार मत करिए. Yield yourself. तब अपने आप को उसके प्रति समर्पित करिए. You will be a blessed man. तब आप एक आशीषित व्यक्ति होंगे. Let your pride be broken. होने दे आपका घमंड चकनाचूर हो जाए. Let your self-righteousness be broken. होने दे आपका स्वयं की धार्मिकता टूटने पाए. You respond to God. आप परमेश्वर के प्रति उत्तर दीजिए. So
he heard what he needed to hear. और इसलिए उसने वो सुना जिसकी आवश्यकता उसे थी. And because he didn't hear what he wanted to hear. और इसलिए कि क्योंकि उसने उन बातों को नहीं सुना जो वो सुनना चाहता था. I am sure on the way he criticized Jesus to all his friends. और मुझे ये पूरा भरोसा है कि अपने रास्ते में वापस जाते समय सारे लोगों के सामने उसने यीशु की आलोचना जरूर करी. I went to Jesus with all his popularity and everybody was praising him. I thought he was a good man, but He is not a man. कि अरे मैं तो यीशु के पास इतना प्रसिद्धि उसके विषय में सुनी गया और लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छा व्यक्ति होगा. Instead of answering my question, इसकी बजाय कि वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे, he hurt my feeling. उसने मेरे जो भावनाएं हैं उनको चोट पहुंचाई. What a foolish man he is. कितना मूर्ख व्यक्ति वो होगा. There is a second man. एक दूसरा व्यक्ति भी है. Fortunately, he didn't rebel. लेकिन धन्यवाद है कि सौभाग्य से उसने बर्बाद नहीं किया. The paralytic man. वो लकवाग्रस्त व्यक्ति. Whom his friends brought to Jesus. जो यीशु के पास उसके मित्र लेकर के आए. He was paralyzed. वो लकवाग्रस्त था. And there are two paralytic men who was healed. और दो लकवाग्रस्त व्यक्ति थे जो चंगे हुए. But the man who was brought by his four friends. लेकिन वो लकवाग्रस्त व्यक्ति जिसको उसके मित्र या दोस्त लेकर के आए थे. Jesus looked at him. यीशु ने उसकी ओर देखा. What did he say? क्या कहा? He thought he was going to hear something wonderful. Hey, rise up and walk. और उसे ऐसा लगा कि वो कुछ अद्भुत बात को सुनेगा कि यीशु कहेगा उठ और खड़ा हो जा और चल फिर. That's what he wanted to hear. और यही वो सुनना चाहता था. But he didn't hear that. लेकिन उसने ये नहीं सुना. What did Jesus say to him? You remember? यीशु ने क्या कहा उस व्यक्ति से? Your sins are forgiven. कि तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं. In other words, you are a sinner. दूसरे शब्दों में वो ये कह रहा है कि तू एक पापी है. And all your paralytic problem is because of your sin. और तेरा ये सारा लकवा जो है तेरे पापों के कारण है. So you came to me. अब तू मेरे पास आया. I am forgiving you. और मैं तुझे उन पापों से के लिए क्षमा करता हूँ. उस क्षमा को ग्रहण कर. And then rise up and walk. और फिर से खड़ा हो और चल फिर. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. There is a third person. और एक तीसरा व्यक्ति है. He was paralyzed for 38 years. और 38 सालों तक वो लकवाग्रस्त था. And Jesus saw this man lying there. और यीशु ने उस व्यक्ति को वहाँ पड़े हुए देखा, लेटे हुए देखा. And Jesus in his spirit also knew he was there for a long time. और यीशु अपनी आत्मा में इस बात को भी जानता था कि वो व्यक्ति उस स्थान पर एक लंबे समय से पड़ा हुआ है. And I still don't understand how it was functioning. There was a pool. और मुझे अभी तक समझ में नहीं. In the temple. कि मंदिर में एक तालाब था, एक कुंड था. And once in a while, कि कभी कभी an angel of the Lord used to come and stir up the pool. एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाता था. And on the side of the pool, और उस कुंड के जो किनारे में there were hundreds of sick people lying. सैकड़ों की संख्या में रोगी और बीमार लोग वहां पड़े रहते थे. Some are paralyzed. कुछ लकवाग्रस्त थे. Some are लंगड़ा. और कुछ लंगड़े थे. Could not walk properly. और में से कुछ सही से चल नहीं सकते and थे. All kinds of sickness. और हर प्रकार की बीमारियाँ. And when the water is stirred up. और जब वो पानी वहाँ हिलाया जाता था. I don't think people could see the angel. और मुझे मेरा ये मानना है कि लोग स्वर्गदूत नहीं देख सकते. But they could see the water is stirred up. लेकिन वो इस बात को देखते थे कि पानी हिलाया गया है. And anyone who jumped into that stirred up water first. Shall be healed. और कोई भी जो उस पानी में पहले कूद जाए वो चंगा हो जाएगा. And this poor man was there. I don't know how many years. और ये व्यक्ति कितने सालों से उस स्थान पर पड़ा हुआ था. But he was paralyzed for 38 years. लेकिन 38 सालों से वो लकवाग्रस्त था. All these 38 years was he lying there? I don't know. और मुझे ये नहीं पता कि 38 सालों से वो वहीं पर पड़ा हुआ था. But it was long time there. लेकिन वो एक लंबे समय से वहाँ पर था. Can you imagine? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं? Listen to this. इस बात को सुनिए. The first question Jesus asked him was this. और वो पहला सवाल जो यीशु ने उससे पूछा वो ये था. Now, what did he want to hear? वो क्या सुनना चाहता था?
he wanted to hear Jesus saying, Jesus stretching out his hand and giving his hand and then picking him up, rise up and walk and go. वो तो चाहता था कि यीशु आए अपना हाथ बढ़ाकर उसे दे और उसे कहे उठ चल फिर से. That's what he wanted. और इस बात को ही वो व्यक्ति चाहता था. No, Jesus didn't ask him. Jesus asked him, friend. लेकिन यीशु ने उससे ये बोला और ये पूछा मित्र. Do you want to be healed? क्या तू चंगा होना चाहता है? अरे What foolish question it is. और ये तो हम बोलेंगे कितना मूर्खता का सवाल है. That's what you think, isn't it? क्या आप ऐसा ही सोचते हैं? What foolishness it is. क्या मूर्खता है ये? Who doesn't want to be healed? कौन चंगा नहीं होना चाहता? And especially this man. और खास रीति से ये व्यक्ति. You know what this man's problem? आपको पता है इस व्यक्ति का समस्या क्या था? Why Jesus asked that question? क्यों यीशु ने ये सवाल उससे पूछा? Many times. Healing is denied to us because we have been sick so long. Now that we begin to be comfortable in that sickness. और कई बार उस चंगाई को हमें नहीं दिया जाता क्योंकि एक लंबे समय से हम उस बीमारी में जी रहे और हम उसके संग जीना सीख गए हैं. Especially paralyzed people. और खास रीति से लकवाग्रस्त लोग. Why? क्यों? Because Everything is taken care of. क्योंकि हर एक बात का चिंता कोई दूसरा करता है. People waiting on him. क्योंकि लोग हैं उसके पीछे. All three times food. तीनों समय का खाना. And whenever the sheet needs to be changed. और जब कभी भी बिस्तर बदलना की जरूरत है. They will pick him up. उसको उठाया जाएगा. And then spread the clean linen. और उसके बाद दोबारा से नया चादर उस पर लगाया जाएगा. Life is sort of comfortable. और जो जीवन है थोड़ा आरामदायक हो जाता है. In their struggle and sickness, they will find comfort. और वो अपने उस लड़ाई में अपनी बीमारी में भी आराम पा लेते हैं. They don't want to be healed. और वो चंगा होना नहीं चाहते. Because then he will have to do all the things. क्योंकि अगर वो चंगे हो जाएंगे तो सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी. Why lie down here? इससे अच्छा यही है कि यहीं पड़े रहो. All the family members are there. परिवार के सारे लोग आएंगे. Friends will come. मित्र आएंगे. Then nurses will come. The food is put into his mouth. और खाना भी मुंह में खिलाया जाएगा सीधे. You will make yourself so comfortable. और आप अपने आप को इतने आरामदायक स्थान पर ले आएंगे. You forget about getting healed. और आप भूल जाएंगे चंगा होने के विषय में. Now you understand why Jesus asked him that. अब आपको समझ में आया कि यीशु ने क्यों वो सवाल पूछा. There is a blockage. एक रुकावट है. We can blame any. He started blaming everybody. अब उसने जो है दूसरों के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया. He was hopeless. उसके पास कोई आशा नहीं. Helpless. कोई सहायता नहीं. Friendless. और कोई मित्र नहीं. He said, I have nobody to pick me up. अब वो कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठाकर उस पानी के नजदीक. I have nobody. कोई भी नहीं है. That is the chorus. और ये वो गाना था जो वो गाता था. I have nobody. कि मेरे पास कोई नहीं. I have nobody. मेरे पास कोई नहीं. Nobody cares for me. कोई मेरी चिंता नहीं करता. Nobody cares for me. कोई मेरी चिंता नहीं करता. That became a chorus to him. और ये ही उसका गाना बन गया. Now you understand why Jesus asked that question. अब आपको समझ में आया क्यों यीशु ने वो सवाल पूछा. He didn't want. He never expected anybody will ask him that question. और उसने कभी आशा नहीं लगाया कि कभी भी कोई उससे ये सवाल पूछेगा. He will shout back, "What do you mean?" Then why am I lying here? तो उसने ये नहीं पूछा कि क्या आप कह रहे हैं, क्या मैं ऐसे ही यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ? Such people also can be very impatient. और ऐसे लोग जो हैं आद के अंदर किसी भी प्रकार का धैर्य नहीं होता. And he started blaming everybody. और दूसरों के ऊपर वो दोष लगाने लगा. And Jesus said. और यीशु ने कहा. Friend. मित्र. Rise up. उठ खड़ा हो. Pick up your bed. अपने बिस्तर उठा. And go home. और घर जा. He didn't want to do anything. He was not used to doing anything for himself. और वो अपने आप कुछ नहीं करना चाहता था, ना ही उसको इस बात की आदत थी. That is exactly what Jesus saying. और यही वो यीशु ने उससे कहा. You rise up. कि तू खड़ा हो. Pick up your bed. अपने बिस्तर उठा. And go home. और घर जा. Fourthly. और चौथा व्यक्ति. Martha and Mary. Martha और मरियम.
Jesus came. Yeshu aaya. But when? Kab? After 4 days. 4 din ke baad. And his body started stinking. That's what they said. और तब तक उसका लाजरस का जो देह था, शरीर था, वो सड़ना शुरू हो चुका था. Master. और स्वामी. If you had been here. अगर आप यहाँ पर होते. Our brother would have been alive. तब हमारा भाई जीवित होता. And what did they expect? और वो क्या आशा लगाए हुए थे? They expected Jesus. I don't think they expected anything. वो मुझे ये नहीं लगता कि उन्हें किसी भी प्रकार की आशा लगाई. Because now Lazarus is dead and 4 days also gone. क्योंकि लाजरस तो मर चुका है और 4 दिन भी बीत चुके हैं. When Jesus told them to remove the rock. जब यीशु ने उस पत्थर को हटाने के लिए कहा. He said, Don't touch the rock. तब लोग कहने लगे अरे पत्थर को मत छुओ. By now there is a bad smell is क्योंकि एक दुर्गंध अंदर से आएगी अगर वो पत्थर हटाया जाएगा. He did not say things that they wanted to hear. और इसलिए यीशु ने उन बातों को नहीं कहा जो वो सुनना चाहते थे. But then he said this. लेकिन तब यीशु ने ये कहा. Do you believe that your brother will rise again? क्या तुम ये विश्वास करती हो कि तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा? Their answer said. उनका उत्तर में ये था. Yes. हाँ. Even now God will give you anything that you ask. कि अभी भी परमेश्वर तुझे वो सब कुछ दे देगा जो तू मांगेगा. But now my brother will rise again in the last day of the resurrection. लेकिन अब मेरा भाई तो पुनरुत्थान के दिन फिर से जी उठेगा. When is that? और वो कब है? That is the day of resurrection that is still coming. और वो तो पुनरुत्थान का दिन है जो अभी आएगा. The last day he will rise again. तब वो अंतिम दिन में फिर से जी उठेगा. Then Jesus emphasis one more time. लेकिन फिर यीशु ने एक बार फिर से उस बात पर जोर डाला. Do you believe that your brother will rise again today? क्या ये विश्वास करती हो कि तेरा भाई आज के दिन जी उठेगा? And then they confessed. और तब उन्होंने अंगीकार किया. Yes, Lord. तब उन्होंने कहा हाँ प्रभु. And it is then he went to the grave. और तब वो उस कब्र की ओर गया. And he, his best friend, was in the grave. और उसका सबसे अच्छा मित्र कब्र में था. He called out his name with a loud voice. और उसने एक ऊंची आवाज में उसके नाम को लेकर के पुकारा. You know why he particularly mentioned his name, Lazarus, come forth. और आपको पता है क्यों उसने नाम लेकर उसे पुकारा कि हे लाजरस बाहर निकला? There is a reason. एक कारण है. Because he wanted only Lazarus to come forth. क्योंकि वो चाहता था कि सिर्फ लाजरस ही बाहर आए. If he just give a general invitation, come forth. अगर वो मान लीजिए बिना नाम लिए बुला लेता कि बाहर निकल आओ. Then all over the place, all the so many people. सारी कब्रें खुल जाती और मुर्दे बाहर निकल आते. He wanted only Lazarus. लेकिन वो चाहता था कि सिर्फ लाजरस निकल आए. Lazarus. Where was Lazarus at that time? और लाजरस कहाँ था उस समय? No, he was not there. He was gone. Meeting all the great men of the Old Testament. लेकिन वो तो जा चुका था और वहाँ सारे पुराने नियम के संतों से वो भेंट कर रहा था. Abraham, he ran to Abraham. वो अब्राहम को देखना चाहता था इसलिए. I am Lazarus. और उसने कहा कि मेरा नाम लाजरस है. You are Abraham. So nice to see you. So marvelous to see you. And then there is Moses. And then there is Elijah. And then there is Elisha. And then there is so many great men. Joshua. And all these friends they are meeting all over the place. और वो पुराने नियम के सारे संतों से जाकर हर संत मिलने. And while he was busy meeting everybody. और जब वो सबसे मिलने में व्यस्त था. He heard a voice. उसने अचानक से एक आवाज सुनी. Somebody is calling my name. कोई मेरे नाम को पुकारता है. Lazarus, come forth. कि हे लाजरस बाहर निकला.
Hey, somebody is calling me. My master is, Jesus is calling me. Let me go. And he came forth. और उसने कहा मेरा स्वामी मुझे बुलाता है और वो कब्र से बाहर निकल आया. That is an exaggeration. Preachers sometimes like to do that. पत्रस इस प्रकार से कई बार बातों को करना पसंद है पत्रस को. But then I want to tell you why he came on the fourth day and not on the third day. लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझिए कि वो चौथे दिन क्यों आया तीसरे दिन क्यों नहीं. Why didn't he come at least the second day? कम से कम दूसरे दिन आ जाता. At least for the third day. या तीसरे दिन आ जाता. Why he chose to come at fourth day? क्यों चौथे दिन आया. Because some of you may know this. आप में से कुछ लोग जानते हैं. There was a belief among the people, not only Jews but other people also. Sirf Yahudiyon ke beech mein hi nahi lekin aur bhi logon ke beech ek prakar ka vishwas tha. But this belief was among the Jewish people also. Lekin Yahudi bhi ye vishwas karte the. When a person's spirit leaves him. Jab ek vyakti ki mrityu ke paschat uska aatma use chhodta hai. He does not go to the paradise immediately. Turant wo swarg nahi jata. For at least 3 days, that spirit will be in the atmosphere. कम से कम 3 दिन तक वो वातावरण में वो आत्मा घूमता रहता है. So there is a possibility of that spirit coming back to the body. और इसलिए संभव है कि वो आत्मा दोबारा उन 3 दिनों में वापस आ जाए शरीर में. He may rise again. और वो फिर से मरा हुआ जीवित हो जाए. Jesus didn't believe that. लेकिन यीशु इस बात पर विश्वास नहीं करता. Neither do we believe. और ना ही हम विश्वास करते हैं. But Jesus purposely delayed his coming. लेकिन यीशु ने जानबूझकर आने में देरी करी. Because people believed it. क्योंकि लोग ये विश्वास करते थे. So even if we raised Lazarus, then the spirit was there already. So अगर मान लीजिए वो इन 3 दिनों में उसे मरे हुए में जिला देता तो लोग यही कहते कि यार उसका आत्मा तो यहीं था फिर से आ गया. Jesus always operate on the impossible situation. लेकिन यीशु तो असंभव बातों में ही चलना चाहता है. Even that possibility which was in the mind of those people had to vanish. और जहां तक उन लोगों के अंदर यह विश्वास जो एक संभव प्रक्रिया दिख रही थी उसको भी खत्म होना जरूरी था. That's the way Jesus functioned very often. और इसी तरीके से यीशु कई बार काम करता है. Why he come? The very last moment. और जबकि वो एकदम अंतिम क्षण में आता है. Whatever possibilities that people could see and interpret that way, that also must be gone. सारी संभावनाएं और सारे मौके जब खत्म हो जाते हैं तब वो आता है. And then Jesus came. और तब यीशु आया. That is why he chose to come on the fourth day. और इसी कारणवश उसने चुना कि वो चौथे दिन वहाँ आए. But there is a song which I like very much. एक गीत है जो मुझे बड़ा पसंद है. About the fourth day. 4 दिन के विषय में. Even when Jesus is late by 4 days. यहाँ तक कि यीशु जब 4 दिन भी देरी से है. He is still on time. वो फिर भी समय पर है. Hallelujah. Hallelujah. According to his time. उसके समय अनुसार. He is still on time. वो फिर भी समय पर है. And his time is the best time. और उसका समय सबसे अच्छा समय है. So my dear brothers and sisters. और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों. Always remember. हमेशा इस बात को याद रखिए. Be open to God. हमेशा परमेश्वर के लिए खुले रहिए. God may speak. और परमेश्वर आपसे बात कर सकता है. What he speaks, the same thing may hurt somebody. और जो वो बोलेगा कई बार वो बात किसी एक को चोट पहुंचाएगी. द सेम थिंग में कम्फर्ट समवन. लेकिन हो सकता है किसी दूसरे को वही बात एंड द सेम थिंग में आराम दे. द सेम थिंग में करेक्ट समवन. या वही बात किसी दूसरे को अनुशासित करे. एंड द सेम थिंग में इंस्ट्रक्ट समवन. या किसी दूसरे को प्रशिक्षित करे. द वर्ड ऑफ गॉड इज सफिशिएंट फॉर ऑल दीस. और परमेश्वर का वचन इन सारी बातों के लिए पर्याप्त है. टू मेक अस कंप्लीट. ताकि वो हमें सिद्ध बनाए. गॉड लव्स यू ऑल. परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है. Ahead of you. और एक हफ्ता आपके सामने है. How are you going to live? कैसे आप इस हफ्ते में जिएंगे? Let God's name be glorified in your life. होने दे परमेश्वर का नाम आपके जीवनों में महिमा पाए. Let God's praise be always there upon your lips. होने दे परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा हमारे हमेशा आपके होठों पर रहे. Let us leave this place. आइए इस स्थान से हम निकले. By giving him praises and worship. उसको स्तुति और आराधना करते हुए. Let us all stand. आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर. Lift up your hands to God. Hallelujah. अपने हाथों को उठाइए. Raise your voices.
अपनी आवाजों को ऊंचा उठाई है. Let us give thanks and praises to God. आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं. While you are praising God, जब आप परमेश्वर की स्तुति को करते हैं, His healing can flow into your body. तब उसका चंगाई आपके शरीर में बहेगा. But when you praise God, जब आप परमेश्वर का स्तुति करेंगे, remember who is glorified. तब हमेशा याद रखिए कि कौन महिमा पाएगा. Our God is blessed. हमारा परमेश्वर आशीषित है. Our God is glorified. हमारा परमेश्वर महिमा पाएगा. Our God is exalted. हमारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा. Let God be exalted above all. होने दे परमेश्वर हर एक बात में महिमा को पाए. And He lives upon the praises of God's people. और वो परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में जीता है. When you are praising God. और जब आप परमेश्वर की स्तुति को करते हैं. When you are worshiping God. और जब आप परमेश्वर की आराधना को करते हैं. Remember this. हमेशा इस बात को याद रखिए. You are erecting a throne for God to come and be in the midst of His people. कि आप एक सिंहासन को बनाते हैं कि परमेश्वर आए और उस सिंहासन पर अपने लोगों के बीच बैठे. Where there is worship, जहाँ पर आराधना है, God is in the midst of them. परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में है. You don't realize what your worship is doing. आप इस बात को नहीं समझते कि आपका आराधना किन बातों को करता है. Worship is erecting a throne for God to come and inhabit. आपका आराधना परमेश्वर के लिए सिंहासन को बनाता है. Because He dwells upon the praises of God. क्योंकि वो अपने लोगों की प्रशंसा पर वास करने वाला परमेश्वर. When every day you worship and praise. और हर प्रतिदिन उसकी आराधना और स्तुति को करिए. Begin your day by worshiping God. अपने दिन की शुरुआत उसकी आराधना से करिए. Let the Lord's name be lifted up. होने दे परमेश्वर का नाम आपके जीवनों में ऊंचा उठाया जाए. Let us honor Him. उसका आदर करें. The Lord's coming is near. परमेश्वर का आगमन निकट है. Let us prepare ourselves. अपने आप को तैयार करें. And get others ready. और दूसरों को भी तैयार करें. God is so good. Hallelujah. 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 Yesu Masih, tere jaisa hai koi nahi. Tere jaisa हम गाए हो at least over 200 people here this morning. लगभग 200 लोग यहां पर मौजूद हैं. Maybe 250, I don't know. हो सकता है 200 से ऊपर हो गिनती.
Many of you have come with your whole family. और आप में से कई अपने सारे परिवारों के साथ आए हैं. Some of you may have come only as a single person. और हो सकता है कि आप अपने परिवार से अकेले भी यहाँ पर हों. But I want you to know that God cares about you. लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है. He is like a loving wise father. और वो एक प्रेम करने वाला ज्ञानी पिता है. He may not give immediately whatever his children ask. और वो तुरंत आपको वो सारी बातें नहीं देगा जो आप कई बार मांगते हैं. But whatever is needed in your life. लेकिन जिन बातों की आवश्यकता आपके जीवन में है. He will give. वो देगा. He will meet your need. वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा. He may not give anything, everything you want. आप जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ नहीं देगा. But God knows what you need. लेकिन परमेश्वर जानता है जिन बातों की आवश्यकता आपको. And He will meet all your needs. और वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा. Trust Him. उस पर भरोसा रखें. Glorify Him. उसके नाम का महिमा करें. Be satisfied with what God gives you. और उसे तृप्त हो जाएं जो परमेश्वर दे रहा है. Amen. Amen. You know, we have lot of stuff in our homes. और हमारे घरों में कई सारी चीजें हैं. Why do we need? There are so many things that we don't need, we still don't want to get rid of them. ऐसी कई सारी बातें हमारे घर में हैं जिनको हमको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हैं. So God may not give you whatever you want. और इसलिए हो सकता है परमेश्वर जो कुछ आप चाहते हैं वो ना दे. But what He needs? लेकिन जिसकी आवश्यकता आपको है. He sees that you get it. उन आवश्यकताओं को वो निश्चित ही पूरा करेगा. God is with you. परमेश्वर आपके साथ है. And He will be with you. Wherever you go. और वो आपके साथ होगा जहाँ कहीं पर भी आप जाएं. Don't go anywhere without him. और उसके बिना आप कहीं ना जाएं. All for his glory. सारी उस बात उसकी महिमा. May the Lord give you healing. और होने दे परमेश्वर आपको चंगाई दे. He has already given you healing. और उसने आपको पहले ही छू कर चंगा किया है. God's word is. परमेश्वर का वचन ये है. Receive your healing. अपनी चंगाई को ग्रहण करिए. That's what he said to the blind man. और इसी बात को उसने उस अंधे व्यक्ति से कहा. The blind man came. And Jesus asked him, "What do you want?" और वो अंधा व्यक्ति आया. यीशु ने बोला, क्या तुझे चाहिए? Jesus said. यीशु ने कहा. And he said, "I want my sight." उसने कहा, मुझे फिर से देखना है. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Receive your sight. अपनी आँखों की रोशनी को फिर से ले. That means. इसका मतलब ये है. God has already given you the healing. कि परमेश्वर ने आपको पहले से ही चंगाई दे दी. It is for you to receive it. और ये आपके लिए है कि आप उस चंगाई को ग्रहण करें. By confessing. और इस बात का अंगीकार करते हैं. Hallelujah. I receive the healing. मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूं. That's what that man did. He और इसी बात को उस व्यक्ति ने किया. He began to see. उसने अपनी चंगाई को ग्रहण किया. Receive. उस चंगाई को ग्रहण करिए. He has given you what you need. और उन बातों को उसने आपको दिया है जिनकी आवश्यकता आपको है. God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो. Amen. Amen. May the Lord's presence go with you. और परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग संग जाए. May His peace be with you. उसका शांति आपके संग बना रहे. And may the good Lord be gracious to you. और होने दे वो भला परमेश्वर आपके लिए उदारता से भला बना रहे. Let His presence go with you in your going out, coming in, sitting, rising, sleeping, waking. और होने दे उसका उपस्थिति आपके बाहर जाने, अंदर आने, उठने, बैठने और हर एक बात में बना रहे. Whenever somebody asks you, और जब कभी भी कोई भी आपसे ये पूछे, How are you? आप कैसे हैं? Don't suddenly say I'm good. अचानक से मत कहिए मैं अच्छा हूँ. And who told you you are good? आपको किसने कहा आप अच्छे हैं? Make sure that you are good to God. इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप परमेश्वर के लिए अच्छे ठहरे. Does God see you good? क्या परमेश्वर आपको अच्छा देखता है? That is important. ये महत्वपूर्ण है. Hallelujah. Hallelujah. God is not impressed by how much money you have, how much education you have, how much clothes you have. और परमेश्वर इन बातों से प्रभावित नहीं होता कितना पैसा, कैसे कपड़े, कैसी शिक्षा आपके पास है. Do you love him? क्या आप उससे प्रेम रखते हैं? Honor him. उसका आदर करते हैं? You will be pleased. तब वो प्रसन्न होगा. God's presence go with you. परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके संग.